रणबीर कपूर जो कि उनके पिता हैं और पिता की खुशी प्रिंसेस के आने पर क्या होगी वो आपको मुकम्मल डिटेल उनकी मुकम्मल वीडियोस जो कि आउट हुई हैं पिक्चर्स में आपको दिखाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलें रणबीर कपूर के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है और ना ही उनका कोई भी सोशल मीडिया पेज है जिसकी वजह से फैंस के साथ खासे जुड़े तो नहीं रहते, लेकिन उनकी खबरें जिस तरीके से कपूर फैमिली के साथ जुड़ी रहती है, फैंस का कहना है कि वाकई कपूर फैमिली हो और फिर आलिया भट्ट का बेबी हो, कैसे हो सकता है इतनी बड़ी कपूर फैमिली जो कि पूरे इस टाइम पर अगर बात की जाए इंडस्ट्री में छाई हुई है वो फिर रणबीर कपूर की खबरें ना दें। आपको तो आज रणबीर कपूर के बारे में जिनका शुरू से ये ख्वाब था कि मेरे यहाँ बेटी होगी, जबकि आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं चाहती हूँ मेरे ट्विन्स बेटे हों, लेकिन हर यहीं पर मानी गई तो भगवान ने इनके सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की सुनी और ऊपर वाले ने जब रणबीर कपूर की सुनी तो कैसे हो सकता है कि छोटी सी नन्ही सी परी क्यूट सी परी इनके घर न पधारी हो और वहीं पर बहुत ही ज्यादा क्लोज और से बात सामने आ रही कि रणबीर कपूर तो बहुत ज्यादा खुश हैं, उनकी खुशियां देख के नहीं संभाली जा रही, वो सिर्फ इतने ज्यादा हैप्पी हैं कि फैंस का कहना है कि वाकई रणबीर कपूर यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी खुशियां इतनी ज्यादा हैं आलिया भट्ट के लिए भी और साथ अपनी नन्नी परी के लिए भी। खैर फैंस भी हों, अगर बात की जाए यहीं पर फैंस की यहीं पर बात की जाए आलिया भट्ट की और फिर नीतू कपूर की उनकी दादी की, तो इस टाइम पर तीनों ही बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं और तीनों ही बहुत ज्यादा खुश भी हैं और फैंस उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लिख रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर के लिए बहुत सारी प्रेजेस भी हैं और रणबीर कपूर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी। व्यूअर्स, आप रणबीर कपूर को क्या कहना चाहते हैं, आप कौन सी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।